हमारे साथ जाने माने चुनाव विश्लेषक सी वोटर के सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख है। आज उनकी मुस्कान से आप समझ सकते हैं कि अपने अपनी भविष्यवाणियों के सही साबित होने पर किस तरह से खुशी होती है। बहुत बहुत मुबारक हो यशवंत जी। आप शुरू से कर्नाटक के को लेकर एक लाइन थी आपकी कि कांग्रेस को एज है, कांग्रेस बिल्कुल चुनाव निकाल लेगी। सीटों की में क्या अंतर आगे चलकर और बढ़ता गया, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन मोटे तौर पर अधिकांश जो पोलस्टर्स हैं उनकी भविष्यवाणियां सही हुई है। आपकी पहली टिप्पणी इस चुनाव नतीजे पर। देखिए, बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी जो हम लोग 1.5 साल से हम इस पर बात कर रहे थे हमारे ट्रैकर्स में, क्योंकि एग्जिट पोल तो देख जैसा कि सभी ने बोला कि सही है, एक डायरेक्शन सबने पकड़ ली थी। सीटों में 20-25 सीट ऊपर की ओर निकल जाना बहुत स्वाभाविक इसलिए मुकेश जी, क्योंकि जब किसी एक पार्टी का वोट थोड़ा सा डिसाइसिव ज्यादा गैप पड़ जाता है तो मार्जिनल सीट्स वो सारी एक तरफा पड़ती हैं। ये हम लोग ने बोला भी था और हमने इस बात को समझाया भी था। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 1.5 साल से हमारे ट्रैकर्स में कांग्रेस को एज दिख रही थी। पिछले साल के MOTN में जो इंडिया टुडे का हमने किया था, उससे फिर अगस्त का पिछले साल का MOTN, फिर इस साल का जनवरी का MOTN, उसमें लगातार हमने 3 राज्यों को हमने रेड फ्लैग किया था NDA के लिए। अपनी विशेष रूप से चर्चा भी हुई कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार, इन तीनों ही राज्यों में से सही जो खबर NDA के लिए नहीं आ रही है। कारण और कॉम्बिनेशन सब अलग अलग है, वो एक अलग विषय है, लेकिन जो खबर है वो अच्छी नहीं। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने बिल्कुल ओपनिंग रिमार्क में एक डबल इंजन सरकार का जो नैरेटिव की बात की, मैं लगभग 2-3 सालों से इस बात को लगातार दोहरा रहा हूं। आपको पता ही है कि हम लोगों की चीफ मिनिस्टर्स की जब रैंकिंग निकलती है, पिछले 3-4 सालों से हम लोग ये बात कह रहे हैं कि जो भारत के टॉप 10 चीफ मिनिस्टर्स की रैंकिंग है उसमें बीजेपी का इक्का दुक्का कोई मुख्यमंत्री होता है, और भारत के जो बॉटम 10 जो सबसे खराब मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त है उसमें से अधिकांश भाजपा के होते हैं। तो ये डबल इंजन का नैरेटिव तो बहुत पहले ही हम कह रहे हैं कि ये डबल इंजन भले ही हो लेकिन ये गलत तरीके से इंजन काम कर रहे हैं। यानी केवल एक इंजन है, वो है मोदी की पॉपुलैरिटी का जो कि बीजेपी को आगे खींचता है, और दूसरा इंजन जो है स्थानीय लीडरशिप का है जो 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 एक तरह से कह लें कि मुख्यमंत्री ही नहीं बाकी पूरे एक जो है वो गार्ड के डब्बे की जगह पे उल्टी तरफ मुंह करके खड़ा, और उसकी पॉपुलैरिटी इतनी नीचे है कि आज की तारीख में बीजेपी पूरे भारत में मुकेश जी केवल 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे आप इस डबल निरंजन नैरेटिव को एक तरह से सत्य मान सकते हैं। एक वो है आसाम, जहां हेमंत बिश्व शर्मा की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के साथ मिलकर चलती है, दूसरे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश जहां पे भी लगभग कमोबेश वही बात है। इसके अलावा कोई राज्य भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है जहां मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी और PM की पॉपुलैरिटी एक डायरेक्शन में हो या उसके आसपास भी कहीं दूर दूर तक हो। तो स्वाभाविक सी बात एक विरोधाभास है, इस विरोधाभास में जनता अपनी बात लगातार कह रही है। अच्छा, एक बार कह रही हो ऐसा नहीं है, मतलब कर्नाटक का ट्रैकर तो पिछले 18 महीने पहले हमने शुरू किया था, हम हर हफ्ते लगभग नंबर कहीं ना कहीं आ रहे थे। उसमें न केवल लोग ये साफ कह रहे थे कि सरकार गड़बड़ है, हम सरकार बदलना चाहते हैं, 58% लोगों ने कहा कि हम नाराज हैं और सरकार बदलना चाहते हैं। ये आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। मतलब ये यशवंत जी, आपने बिल्कुल सही कहा, अगर गुजरात का ही उदाहरण देख ले, अगर मोदी ना हो तो गुजरात में बीजेपी की बिल्कुल उल्टी स्थिति हो जाएगी, डब्बा बोल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये बात कि वो उनके ऊपर ओवर डिपेंडेंट है, देखिए किसी नेता को शायद ही अंदर से अच्छी बात लगे कि सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन मैं इस बात में थोड़ा सा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है 2-3 बार उनके जो कार्यकर्ताओं के महासम्मेलन के लाइव टेलीकास्ट वगैरह में ये बात हुई, उन्होंने इस बात को इशारा किया, अपने आप जीतना सीखिए, केवल हमारे मतलब इसके ऊपर मत भरोसा रखिए कि हम आएंगे और हम आपको जिता देंगे। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि ये मैं अपनी पॉपुलैरिटी के नाम पर ये तमाम नॉन फंक्शनल सरकारों का जो डिस्क्रेडिट है वो लेके नहीं खींच सकता हूं। और जनता बहुत क्लियर है, मुझे लगता है कि देखिए मुकेश भाई, जिस स्प्लिट वोट की हम लोग इतने सालों से बात कर रहे हैं, हम लगातार उसको बढ़ते हुए देखा, और हम लोगों को तो 20 साल हो गए इस बात को, हम लोग हर चुनाव दर चुनाव हम लोग चेक करते रहते हैं, आप और हमारी दोनों इस पर बात होती है कि
क्या ये वैसा डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब ये स्थापित हो गया, मुझे लगता है कि अब ये मान लेना चाहिए। और कर्नाटक के मामले में तो खैर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्नाटक भारत का पहला शायद बड़ा राज्य ऐसा था जिसने स्प्लिट वोट दिया था। आपको याद होगा हेगड़े जी के समय में कि केंद्र का, केंद्र में कांग्रेस को वोट दिया था और विधानसभा में कुछ महीनों के अंतराल में रामकृष्ण हेगड़े जी को सत्ता दे दी थी। तो कर्नाटक ही नहीं पूरे भारत में मुझे लगता है कि हर जगह पे स्प्लिट वोट ये अब सेटल हो गया है। और ये मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र की प्रगाढ़ता की निशानी, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं म्यूनिसिपैलिटी में प्राइम मिनिस्टर के नाम पे वोट दे दूं और प्राइम मिनिस्टर का वोट आते समय म्यूनिसिपैलिटी के नाम पे वोट दे दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस जगह पे जो जो इम्पोर्टेंट है उस चीज के ऊपर वोट पड़ना चाहिए। यशवंत जी वापस थोड़ा लौटते हैं कि ये जो कर्नाटक का चुनाव हुआ, क्या आपको लगता है कांग्रेस की जीत को किस तरह से लिया जाए, एक बड़ी जीत माने या बाय डिफॉल्ट क्योंकि जो पावर में थी पार्टी उसने ठीक ढंग से काम नहीं किया, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो उसके फेवर में नहीं गई और ये बीजेपी कांग्रेस को इसको बाय डिफॉल्ट जीत मिल गई, यानी नकारात्मक वोटों के बल पर कांग्रेस जीती, या उसका अपना भी किया इस धरा इसमें कुछ है, उसका श्रेय उसको मिलना चाहिए? देखिए बाय डिफॉल्ट तो बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं मानता कि आज का जमाना बाय डिफॉल्ट वाली जीत का कोई जमाना है। बाय डिफॉल्ट की जीत होती ना तो उत्तराखंड में इस समय कांग्रेस की सरकार होती। हम जानते हैं बाय डिफॉल्ट आजकल कुछ नहीं होता। इसका पूरा श्रेय दरअसल सबसे बड़ा श्रेय, देखिए बहुत विचित्र बात मैं कहना चाहूंगा, पहला श्रेय मैं बड़ा देना चाहूंगा राहुल गांधी की यात्रा को, क्योंकि उन्होंने और कुछ किया हो न किया हो वो यात्रा के समय, उस यात्रा की साथ में चलने के बहाने ही सही सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार और उनके समर्थकों को साथ में आने के लिए मजबूर किया, पहली बात तो ये। अच्छा जब साथ में दो वॉरिंग फैक्शन साथ में आ जाते हैं अपने अपने ढोल बारात के साथ में, एकाएक हुजूम बन जाता है, उस हुजूम के कारण पार्टी का मॉरल बढ़ जाता है। तो उसका एक ये बाय डिजाइन था या बाय डिफॉल्ट था यात्रा का जो प्रभाव था, लेकिन मैं उससे उसको इनकार नहीं कर सकता कि उस यात्रा ने स्थानीय लेवल के नेताओं को गुटबाजियों को कम करने में मदद की, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज, डिफॉल्ट एंटी इनकम्बेंसी का मुकेश जी फायदा तभी पूरी तरह मिलता है जब आपके पास में बड़ा चेहरा हो अल्टरनेटिव। वहां पे मैं सिद्धारमैया जी को पूरा क्रेडिट दूंगा, क्योंकि सारे ट्रैकर में सारे ओपिनियन पोल में लगभग 35-40% मुख्यमंत्री की पसंद के रूप में सिद्धारमैया जी का नाम आगे आया। तो वोट तो दरअसल कांग्रेस पार्टी के संगठन को सिद्धारमैया के चेहरे को पड़े, इसमें कोई समझ फेर की कोई गलती नहीं है। उसमें संगठन में डीके शिवकुमार की अपनी भूमिका है, उससे मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि आपको रिसोर्सेस चाहिए होते हैं कैंपेन लगाने के लिए, चढ़ाने के लिए, संगठन चलाने के लिए, वो रिसोर्सेस और उचित तरीके से उनको मैनेज करना डीके शिवकुमार ने किया, इस बात का उनसे, लेकिन चेहरा जो था वो सिद्धारमैया का था, इसमें भी कोई इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तो दो मोटे तौर पे जो मैं कहूं कि जिसे ऑपरेशनल पार्ट आप कह लें। मुझे लगता है कि इलेक्शन केवल ऑपरेशनल नहीं होता, इलेक्शन इमोटिव भी होता है, उसमें इमोशंस भी अपने तरीके से काम करते हैं। जैसे अब बजरंगबली चले कि नहीं चले, ये एक इमोशन, उसी तरह से 40% की सरकार, ये एक इमोशन है। मजे की बात यह है कि भ्रष्टाचार दरअसल कर्नाटक में मुद्दा नहीं था, लेकिन एक इसको आप दूसरे तरीके समझिए मुकेश जी, जो पार्टी जाके कहती थी हम पार्टी विद अ डिफरेंस है और कांग्रेस भ्रष्ट है, आप अपने क्रिएट करना चाहते थे उनसे, अब भ्रष्टाचार के आरोप लग लग के आप इस ये कहने पे आ गए कि हमारे यहां भ्रष्टाचार तो है लेकिन कांग्रेस जितना नहीं। तो भ्रष्टाचार इतना है कि इतना है ये मायने नहीं रह जाता, इसका मतलब वो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नहीं रहा। अगर स्थानीय नेता के घर में करोड़ों करोड़ों रुपए बरामद होते हैं, तमाम तरीके के स्टिंग में लोग पकड़े जाते हैं, तमाम आरोप लगते ही चले जाते हैं और स्थानीय करप्शन से जनता को आमना सामना करना पड़ता है रोज की जिंदगी में, तो जो समर्थक भी है वो कहता है बाकी सब ठीक है, अब ये कोई मुद्दा नहीं रहा। मुद्दा मैं जब कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं रहा तो उसका बीजेपी को नुकसान हुआ,
क्योंकि जो ये करप्शन का 40% का चार्ज चिपका उसके कारण भ्रष्टाचार का मुद्दा नलीफाइड हो गया, जिसके ऊपर बीजेपी आगे वोट मांगती थी। देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा तो इसलिए भी नहीं है, 1,00,000 वोट से डीके शिवकुमार जीते हैं चुनाव, अब आप इसको क्या कहेंगे, आयरॉनिकली कहेंगे ना। तो बिल्कुल भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं रहा क्योंकि बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को अपने हाथ से निकालकर अपने आप को लोकली वहां उनके सामने बराबरी का साबित कर। लेकिन यशवंत जी, अभी आपने कहा कि ये बजरंग बली का मुद्दा क्यों नहीं चला, क्यों नहीं चला? आखिरकार क्या जो बाकी मुद्दे थे इतने हावी थे, और क्या ये इस तरह की कैंपेन को कर्नाटक के लोग समझ गए हैं इसलिए उन्होंने इसको दरकिनार कर दिया? देखिए मुकेश जी, बजरंग बली वहां चलेंगे जहां जनता चाहेगी कि बजरंग बली चले, यानी यूपी बिहार में चलेंगे? नहीं, यूपी बिहार नहीं, वहां पर भी तब चलेंगे जब उनको लगेगा कि वास्तव में ये महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको वो इमोशनली सपोर्ट करना चाहते हैं। उनके जीवन में अगर आज डेवलपमेंट मुख्य मुद्दा है, जो 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 महंगाई बढ़ी वो मुख्य मुद्दा है, जो लोकल करप्शन हुआ उसका मुद्दा है, अगर ये मुद्दे हैं तो पब्लिक कहेगी कि बजरंग बली की जय तो हम बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा मन आपको सबक सिखाने का है और इस मामले में बजरंग बली हमारे साथ है। तो आप बेसिक बात यह है, जनता बजरंग बली के खिलाफ जाके वोट नहीं देती है, लेकिन जनता कहती है कि कहाँ पे किस मुद्दे को आप अब्यूज कर रहे हैं, ये जनता के अंदर बहुत स्पष्ट समझ होती है। यहां पे उनको लगा ये मुद्दा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर इमोशनल होकर के हम उन्हीं इनेप्ट लोगों को, उन्हीं जो लोगों ने काम नहीं किया उन लोगों को हम दोबारा सत्ता में दें, हम नरेंद्र मोदी के कहने पे उन लोगों को दोबारा वोट दें, ये नहीं होगा। नरेंद्र मोदी की सभा में गए, रैली में गए, लोगों के लिए ताली बजाई, लेकिन उनका यह था कि मोदी जी जब आपका चुनाव होगा तब हम आपको वोट देंगे, लेकिन आपके नाम पे इन नकारा लोगों को वोट नहीं। मेरे ख्याल से जनता बहुत स्पष्ट है और उसमें बजरंग बली को मुद्दा बनाना यह भी उतना ही विचित्र था जितना बजरंग दल पे बैन लगाने का मुद्दा बनाना भी विचित्र था, मतलब दोनों ही था। ये तो किस्मत अच्छी है, मैं कहूंगा कि लोकल कैंपेन और लोकल चीजें इतनी सर पे हावी हो चुकी थी लोगों के कि बजरंग दल पे बैन लगाने का मुद्दा बीजेपी एनकैश नहीं कर पाई। तवलीन सिंह जी ने बहुत अच्छा अपने आर्टिकल में लिखा कि बेसिकली आप लोकल ठग को तालिबानी उससे कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब आप कैंपेन में, और वो भी तब जब एक मेजॉरिटी का इमोशन या जनमानस किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ चीजों पे सेट हो रखा हो। तो वो मुझे लगता है कि अब दूसरी तरफ शायद ये सोचना कि बजरंग दल को बैन करने वाला मुद्दा बड़ा अच्छा था और कर्नाटक में काम कर गया, वो बहुत ही गलत उसमें से इंटरप्रिटेशन होगा। आपका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही है कि स्थानीय मुद्दे इतने ज्यादा हावी थे कि इस मुद्दे के ऊपर बजरंग बली वाला नैरेटिव नहीं चल पाया, लेकिन उससे कई शायद मित्र भी और जो रणनीतिकार भी हैं कांग्रेस के, वो कहीं गलती से अगर ये नैरेटिव निकालेंगे कि नहीं नहीं ये तो बजरंग दल को बैन करने के कारण हमें ये मैंडेट मिला है, इसलिए हमको राष्ट्रीय स्तर पे ये कैंपेन ले जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उसका काफी अच्छा खासा नुकसान इलेक्टोरली कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। जी, हमारे साथ शीतल सिंह जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। लेकिन यशवंत जी, थोड़ा सा मुझे जियोग्राफिकली भी समझाइए कि जो बीजेपी के गढ़ हैं जैसे कोस्टल कर्नाटका वगैरह, वहां भी ये वाला कार्ड उस तरह से नहीं चला जिस तरह से अपेक्षा की जाती है बीजेपी के हिसाब से, क्योंकि वो तो उसका गढ़ है और एक लेबोरेटरी माना जाता है हिंदुत्व की उस इलाके को, या बैंगलोर वाला जो इलाका है वहां पर भी जिस तरह की अपेक्षा बीजेपी ने की हुई, खासतौर पर प्रधानमंत्री की इतनी विशाल रैली और लंबी रैली के बाद, ये क्या वजह थी? क्या इसकी भी यही वजह थी कि लोग मन बना चुके थे अब तुम कुछ भी कर लो, कोई भी ड्रामा रो लो गा लो कुछ भी कर लो हम नहीं सुनेंगे? मुकेश जी, सैचुरेशन था। और दूसरा, आप ये देखिए हमारे ट्रैकर में हम एक सवाल पूछते हैं कि आप किसी को भी वोट दीजिए, आपको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है, सरकार किसकी बनेगी? वोट आप किसी को भी दीजिए लेकिन आपका अनुमान क्या है? हम इसको एक जनता के उसकी तरह से पूछते हैं। आपको मैंने ट्रैकर दिखाया था कि एक बार भी पूरे 18 महीने में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जहां पर जनता ने कहा कि नहीं हमको लगता है भाजपा चुनाव जीतेगी, जबकि हिमाचल के केस में ठीक उल्टा था। हिमाचल के केस में शुरुआत हुई थी बीजेपी की लीड से, जनता कह रही थी नहीं बीजेपी चुनाव जीतेगी, लेकिन लास्ट तक आते 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 वो फ्लिप कर गया था
और लोगों ने कहा नहीं अब हमको लगता है कांग्रेस चुनाव जीतेगी। तो ये जो एक गैप लगातार नैरेटिव का या जो भी आप कह लें बना था, और इस मामले में कर्नाटक का जो कांग्रेस का नेतृत्व रहा है, जो उनका जो समझ रही है, उन्होंने जानबूझकर पूरी शिद्दत के साथ में इस कैंपेन को लोकल रखा, ये उनकी समझदारी का सबूत है। क्योंकि बीजेपी तो चाहती थी कि नैरेटिव जो है नेशनल हो जाए, बीजेपी तो पूरी भली पूरी चाहती थी कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी में ये कन्वर्ट हो जाए। अब ये बात तो हम भी सभी लोग कहते हैं कि भाई समझ में चाहे जो आए, हिमाचल का चुनाव कांग्रेस ने केवल और केवल 3 कद्दावर रीजनल नेताओं के कारण जीता जो अपने अपने रीजन में मेहनत कर ले गए, और राहुल गांधी जी गए नहीं हिमाचल, यही उनकी हिमाचल की कांग्रेस के ऊपर सबसे बड़ी कृपा रही। मुझे लगता है, मैंने पहला आपको एग्जाम्पल दिया कि पहला श्रेय मैं राहुल गांधी की यात्रा को देता हूं, लेकिन वो श्रेय केवल और केवल उसलिए क्योंकि उसने उस यात्रा ने स्थानीय नेतृत्व के लड़ाई करने वाले फैक्शंस को एक साथ आने पे मजबूर कर दिया, और जब वो साथ आए तो एकदम से उनको लगा कि हम जीत सकते हैं, और वो जीत की गंध मिलना नाक में वो बाकी काम कर ले गई। लेकिन अगर कहीं राहुल गांधी जी रैली पे रैली करके इसको नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी इसके ऊपर और चौकीदार चोर है वाले पे करते तो कर्नाटक में समस्या हो जाती उनके। तो असली जो काम उनके लिए किया कि उन्होंने नितांत रीजनल पार्टी की तरह लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ा, यही कांग्रेस की सबसे बड़ी सफलता। यशवंत जी, आपने बताया कि 1.5 साल से आपका ट्रैकर बराबर बता रहा था कि बीजेपी के हाथ से सत्ता जा रही है, बीजेपी का हाईकमान क्यों नहीं समझ पा रहा था? वो लगातार कम्युनल इश्यूज को ही पकड़े हुआ था, हिजाब, हलाल, लव जिहाद वगैरह वगैरह सब वही चल रहे थे 1.5-2 साल से वहां पर, और अंत में भी प्रधानमंत्री बजरंग बली को लेके कूद गए। क्या हाईकमान के पास कोई दूसरी स्ट्रेटजी ही नहीं थी, या बीजेपी हाईकमान कुछ और सोच ही नहीं पाता इसके अलावा कि यही एक कैंपेन का इमोटिव कैंपेन करने का तरीका है, इसलिए इसी के बल पर जीता जा सकता, और कोई इसके पास उपाय नहीं है? मेरे ख्याल से बीजेपी जब जब डिस्ट्रेस में होती है तब इस तरीके के कैंपेन पे चली जाती है। ये हम लोग ने पूरा एक ट्रेंड देखा है, जब जब उनको लगता है डिस्ट्रेस में है तब वो हार्ड लाइन हिंदुत्व, पाकिस्तान, ये सारी चीजें उसमें आने लगती हैं। वैसे तो उनका बेसलाइन हिंदुत्व का कैंपेन है ही है, लेकिन इसकी एक इसे कहें सीमा से ऊपर या पिच हाई बॉइलिंग टेम्परेचर पे ले जाना, ये उनके डिस्ट्रेस सिग्नल्स की निशानी होती है। तो जैसे ही वो डिस्ट्रेस सिग्नल आपको मिलने लगे तो समझ लीजिए कि मामला उनके हिसाब से वैसा नहीं जा रहा है जैसा वो चाहते हैं। कई बार ये डिस्ट्रेस सिग्नल्स के ऊपर काम करना उनके लिए फायदेमंद भी होता है, जिन जगहों पे उनको लगता है कि बहुत टच एंड गो है और वहां पर थोड़ा सा भी इस तरीके का कैंपेन उनको लाभ करता है, वहां पे हमने देखा उनको लाभ भी हुआ है। लेकिन हर समय ये काम नहीं करता, जब आपका गैप बहुत बड़ा हो जाए तो ये सर्टेनली काम नहीं करता। ये उस जगह पे काम कर सकता है जहां मामला बिल्कुल टच एंड गो वाली सिचुएशन हो कि यार 1-1.5% की बात है, थोड़ा सा और कर दो तो मामला और कुछ नहीं होगा तो हमारे लोग उत्साहित होकर के पोलिंग बूथ पे लग जाएंगे। एक ये भी होता है ना वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए अपने। लेकिन जब गैप सिग्निफिकेंट होने लगे, अब हमारे ट्रैकर्स में 4-5% का गैप ऑलरेडी आ रहा था, आज 6-7% का हो गया वो बढ़ के, तो इसका मतलब साल 1.5 साल से अगर 4-5% का गैप बनता हुआ आपको दिख रहा है परसेप्शन में, तो जनता मन कहीं ना कहीं बना चुकी है। अब बन गया है तो उसमें फिर बजरंग बली की जय तो जनता भी बोलती हो, कहती है जब बजरंग बली का मौका आएगा तब हम बजरंग बली जी के साथ में दूसरे समय वोट देंगे आपको, अभी ये मुद्दा अभी नहीं चलेगा, ये जनता की। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।